नासिक की सिक्योरिटी प्रेस में स्क्रैप प्रिंटिंग मशीन का ऑक्शन चल रहा था और स्क्रैप को खरीदने वाला था एक ऐसा आदमी जो इंडिया की हिस्ट्री का सबसे बड़ा स्कैमस्टर कहलाया, जिसका स्कैम हर्षद मेहता स्कैम से 6 गुना बड़ा और अपने साथ कुछ ऐसे नामों को लिए था जिससे सिस्टम हिल गया। आइए समझते हैं एक सब्जी बेचने वाले ने कैसे गैंगस्टर पॉलिटिशियंस और सरकारी कर्मचारियों के साथ मिलकर 30,000 करोड़ का फर्जी स्टैम्प पेपर घोटाला किया और क्यों इतने बड़े स्कैम में सिर्फ उसे ही सजा हुई और बाकी बड़े नाम बच गए। पिता की डेथ होने के कारण कम उम्र से ही तेलगी को घर चलाने के लिए ट्रेनों में फल सब्जियां बेचना पड़ा, पर उसके इरादे हमेशा ये करने के नहीं थे। कॉलेज की पढ़ाई, कुछ साल नौकरी और गल्फ में 7 साल काम करने के बाद तेलगी शॉर्टकट से पैसा बनाने इंडिया वापस आया और उसने मैन पावर पुशिंग नाम के स्कैम से करी अपने स्कैमिंग करियर की शुरुआत। इस स्कैम में वो इंडियन लेबर्स के फर्जी डॉक्यूमेंट तैयार करता था और उन्हें बिना इमिग्रेशन क्लियरेंस के गल्फ कंट्री भेजता था। लेकिन उसका ये स्कैम ज्यादा समय चला नहीं और तेलगी को सजा हो गई। पर जेल में भी उसका क्रिमिनल माइंड नहीं रुका, वहाँ उसने एक फ्रॉडस्टर से मिलकर बड़ा पैसा बनाने का प्लान बनाया जिसने तेलगी की पहुंच गैंगस्टर से लेकर पॉलिटिशियन तक बनाई। इनका प्लान एक ऐसे ओवरलुक गवर्नमेंट डिपार्टमेंट से फायदा लेने का था जहां नजर तो किसी की नहीं थी पर पैसा करोड़ों में था। जेल से निकलते ही दोनों ने स्कैम को लेजिटिमेट दिखाने के लिए मुंबई में स्टैम्प ऑफिस खोला और अपने कॉन्टैक्ट्स के थ्रू नासिक की सिक्योरिटी प्रेस से ऑक्शन हो रही स्क्रैप प्रिंटिंग मशीन्स को खरीदा। इन्होंने गवर्नमेंट ऑफिसर से हाथ मिला के धीरे धीरे रॉ मटेरियल्स जैसे इंक और सिक्योरिटी पेपर तक अपनी पहुंच बनाई, जिससे स्टैम्प की ऐसी रेप्लिका बनना शुरू हुई जिसे देखकर असली और नकली का फर्क पता कर पाना बहुत मुश्किल हो गया था। इन मशीनों से सारे तरीके के फेक स्टैम्प बनाए गए जिसमें स्टेट गवर्नमेंट के नॉन जुडिशियल स्टैम्प पेपर्स जो अरबों में स्टेट को रेवेन्यू देते थे से लेकर इंडियन स्टैम्प एक्ट और सेंट्रल गवर्नमेंट के रेवेन्यू स्टैम्प शामिल थे, जहां गवर्नमेंट स्टैम्प वेंडर्स को 3% कट देती थी वहीं तेलगी ने उन्हें 20-30% कट देना शुरू कर दिया, जिस कारण से उसने करीब 200 स्टैम्प वेंडर्स की फौज खड़ी कर दी जो ये फेक स्टैम्प्स बल्क में बैंक, इंश्योरेंस कंपनीज और बड़े कॉर्पोरेट्स को सप्लाई करने लगे। पर इससे सिस्टम में एक प्रॉब्लम आ गई, मार्केट में स्टैम्प्स की सप्लाई ज्यादा हो गई थी, इसीलिए खुद तेलगी ने स्टैम्प्स की आर्टिफिशियल शॉर्टेज क्रिएट करना शुरू कर दिया। उसने प्रिंटिंग प्रेस के ऑफिसर से मिलकर ओरिजिनल प्रिंटेड स्टैम्प्स को गलत एड्रेस पे भेजना शुरू किया और उनकी कमी को पूरा करने के लिए अपने फर्जी स्टैम्प्स सप्लाई किए। इन फर्जी स्टैम्प्स की सप्लाई का नेटवर्क महाराष्ट्र और कर्नाटका के साथ इंडिया के 10 और स्टेट्स में था और ये सिलसिला 6 साल तक चलता रहा। 2001 में ट्रेन में तेलगी के 2 फर्जी कंसाइनमेंट पकड़े गए और फाइनली पुलिस ने तेलगी को अरेस्ट कर लिया, पर तब तक वो करीब 30,000 करोड़ के गवर्नमेंट रेवेन्यू को टकार चुका था। अब पुलिस के सामने सवाल ये था कि इतने लंबे समय तक इतना बड़ा स्कैम करने वाले तेलगी के सर पर हाथ किसका था। ये जानने के लिए SIT ने तेलगी का नार्को टेस्ट कराया जिसमें तेलगी ने उस समय के यूनियन एग्रीकल्चर मिनिस्टर शरद पवार और महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री छगन भुजबल का नाम लिया, पर मजिस्ट्रेट के सामने दिए बयान में तेलगी मुकर गया क्योंकि नार्को में दिया बयान पुलिस कन्फेशन था जो कोर्ट में एडमिसिबल नहीं होता है और बाद में हुई CBI जांच में दोनों पॉलिटिशियंस के खिलाफ कोई भी सबूत ना मिलने के कारण 2007 में कोर्ट ने तेलगी को IPC में जालसाजी से गवर्नमेंट स्टैम्प बनाने, फोर्ज डॉक्यूमेंट बनाने और मकोका के अंदर 13 साल की सजा और 202 करोड़ का जुर्माना लगाया। इतने बड़े स्कैम के बाद कर्नाटका गवर्नमेंट ने 2008 से सिर्फ ई स्टैम्पिंग को अपना लिया और गवर्नमेंट ने सबक लेते हुए गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स पे रेगुलेटरी कंट्रोल को और स्ट्रॉन्ग कर दिया। ऐसा सुनने में आया था कि तेलगी को जेल में डेथ से पहले काफी रॉयल ट्रीटमेंट मिलता था ताकि वो स्कैम से जुड़े ऐसे कनेक्शंस ना खोल दे जिससे सिस्टम हिल जाए। आपको क्या लगता है कि स्कैम में क्या सिर्फ तेलगी ही दोषी था? प्लीज कमेंट सेक्शन में बताइए और सब्सक्राइब करिए इंडियन लॉ ट्यूबर को।